हेलो डियर वंस, हाउ आर यू? आई होप दैट यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योर स्टडीज एज वेल एज योर हेल्थ। आज इस छोटे से वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करेंगे, विलियम शेक्सपियर की कुछ मशहूर ट्रेजिडीज। ऐसा कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर ने शायद इंग्लिश लिटरेचर की सबसे बेहतरीन ट्रेजिडीज लिखी। ही वॉज द मास्टर ऑफ ट्रेजिडीज। कुछ ऐसे महान कथानक तैयार किए उन्होंने, ऐसे महान कैरेक्टर्स लिखे हैं, और उससे पहले इतने बड़े बड़े हीरो की इमेज अपने ड्रामा में क्रिएट की, फिर उसे डिस्ट्रॉय किया, डेमोलिश किया। इस तरह बहुत बड़ी ट्रेजिडीज बनी। उनकी ट्रेजिडीज को दो अलग अलग डिवीजन में रख सकते हैं। एक हैं हिस्ट्रीज, जिन्हें हिस्ट्रीज भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल ट्रेजिडीज भी कह सकते हैं, हिस्टोरियन ट्रेजिडीज भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ बड़े जो रियल कैरेक्टर्स थे अपने ज़माने में, उनकी कहानी थी, जैसे जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा या कोरियोलानस। ये बहुत महान कैरेक्टर्स हुए हैं वहाँ, उनके बारे में कहानी है, इसलिए रियल हैं। इसलिए ये केवल बुक ना होकर, ड्रामा ना होकर एक हिस्ट्री का हिस्सा है, तो इन्हें हम इस कैटेगरी में रख सकते हैं। दूसरी अदर ट्रेजिडीज में देखेंगे तो हैमलेट, ऑथेलो शायद वर्ल्ड की बेस्ट ट्रेजिडीज हैं, मैकबेथ एंड रोमियो एंड जूलियट, ये आपने नाम ज़रूर सुने होंगे। ये उनकी वो ट्रेजिडीज हैं जो उन्होंने अपने कलम से तैयार की, इमेजिनरी कैरेक्टर्स हैं, लेकिन ये इतने लिवली लगेंगे आपको, इतने जीवंत लगेंगे कि ऐसा लगेगा कि शायद ये एग्जिस्ट करते हैं। एंड दिस इज़ द मास्टर क्लास ऑफ द राइटिंग स्किल ऑफ ग्रेट विलियम शेक्सपियर। तीन इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने चाहा आपको और शेयर करूँ जो उनकी ट्रेजिडीज से निकल कर आई हैं। पहला द फैटल फ्लॉ। कई बार ऐसा देखा गया है कि उनके जो बहुत बड़े बड़े जो किरदार उन्होंने गढ़े, उन्हें कहीं ना कहीं भाग्य ने धोखा जरूर दिया। वो बहुत बड़े बन सकते थे, बहुत आगे जा सकते थे, लेकिन कई बार उनकी कुछ कमजोरियों ने, उनकी वीकनेसेस ने उन्हें ऐसे जगह ले जाकर खड़ा किया जहाँ ट्रेजिडीज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। दूसरा, द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल। शेक्सपियर के बारे में ज़रूर ये कहा गया है कि उन्होंने अपने कैरेक्टर्स को इतने ऊंचाई पर ले जाकर खड़ा किया, उनको डेवलप किया, जो लार्जर देन लाइफ आजकल हम यूज़ करते हैं ना वर्ड, वो फ्रेज बहुत ही माकूल बैठता है, चाहे वो जूलियस सीजर के साथ हो, एंटनी क्लियोपेट्रा के ग्रेट माइटी एंटनी के लिए हो, या फिर किंग लियर के लिए हो, या ग्रेट मैकबेथ के लिए हो। ये सब जो उन्होंने किरदार रचे हैं अपने कलम से, वो बहुत बड़े और बुलंद हैं, लेकिन द बिगर दे आर द हार्डर दे फॉल। जो जितनी ऊंचाई पर जाता है वो उतनी ही तेज़ी से, उतनी ही ज़ोर से गिरता है। शेक्सपियर की कलम के शाहकार उनकी किताबों में दिखाई दिए हैं, और ये फ्रेज सही साबित हुआ है कि ऊंचाई से गिरने पर चोट लगती है। तीसरा है एक्सटर्नल प्रेशर। कई बार ऐसा देखा गया है, हमने दो बहुत अच्छे एग्जाम्पल पढ़े हैं, एक तो ऑथेलो और दूसरा हैमलेट। ये इतने प्रेशर में थे अंदर से कि आखिर में इन्हें ख़त्म होना ही था, क्योंकि ये अपने उस प्रेशर को झेल नहीं पा रहे थे, लगातार इन्हें बन रहा था। तो ये प्रेशर है जिसमें इनका किरदार अंदर ही अंदर घुलता रहता है, गलता रहता है, एंड फाइनली वो नहीं रहता है। तो दिस इज द ग्रेट थिंग अबाउट शेक्सपियर इन ट्रेजिडीज। ओके, अगले वीडियोज़ में हम बातें करेंगे शेक्सपियर की कॉमेडीज़ के बारे में, फिर बातें करेंगे उनके हीरो हीरोइंस के बारे में, उनके ग्रेट कैरेक्टर्स के बारे में। प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट टू ऑल योर फ्रेंड्स। सारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स जो TGT PGT की तैयारी कर रहे हैं, अलग कंपटीशन तैयारी कर रहे हैं, जहां इंग्लिश लिटरेचर की ज़रूरत है, चैनल को शेयर करें, जिससे और मेरा हौसला बढ़े आपके लिए अलग कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने का। ओके, बाय, सी।